अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन बिजली का जो बिल आता है जो ज़्यादा बढ़ाया जाता है उसको कम किया जाए, बिजली दर कम होने के बाद ही हम लोग मानेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इसके लिए। आपके यहाँ से अभी हाई कोर्ट में जाएगा, अगर नहीं मानती है सरकार हम लोगों की राय को तो हाई कोर्ट में केस किया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। 2025 में जब हम लोगों की सरकार आएगी, हमारे नेताजी चिराग पासवान जब CM बनेंगे, उस समय सारे प्रतिक्रिया का उन लोगों को जवाब दिया जाएगा कि कहाँ पे वो लोग गलत कर रहे थे और कहाँ पे हम लोग सुधार किए हैं। जनता को जागरूक करने के लिए ही, जबकि बिहार में जितने भी जिला अधिकारी हैं, जितने भी महानगर अधिकारी हैं, सारे अपने जिला में हर एक प्रखंड में जो है कि मीटिंग कर करके लोगों को जागरूक कर किया जा रहा है। कम्मा चुनाव में जो जीत हुई है वो वहाँ से छोटे सरकार के नाम से जाना जाते हैं अनंत सिंह, और छोटे सरकार को इससे पहले 70,000 वोट से जीत हुई थी और इस बार मात्र 10,000 वोटों से जीत हुई है, तो उनका अंतर जो कम हुआ है वो चिराग फैक्टर की वजह से ही कम हुआ है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? बिजली विभाग का जो बिजली का जो मीटर लग रहा है, बिजली मीटर का जो अपने राज्य में अन्य राज्यों के मुकाबले उसका जो रीडिंग यानी कि बिजली बिल फास्ट आ रहा है, जैसे कि अब हमारे बगल का ही राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे 3 रुपये से लेकर 3.45 रुपये तक बिजली का दर आता है, और उसके बाद आपको देखिए उड़ीसा में 3 रुपये से लेकर के 6.20 रुपये तक आता है, गोवा में 1.5 रुपये से लेकर के 4.25 रुपये तक आता है, गुजरात में जो है 3.20 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक आता है, जबकि हमारे यहाँ बिहार में 6.05 रुपये से लेकर के 7.20 रुपये आता है। क्योंकि आप लोग को सभी को पता है कि अभी दो तरह का मीटर लग रहा है, एक डिजिटल मीटर लग रहा है और एक जो है आपको नॉर्मल मीटर लग रहा है, जो कि बिजली बिल आता है, दूसरा चीज़ की आप लोग रिचार्ज करते हैं। और जो आप लोग के यहाँ जो बिजली कितने लोगों के पास अभी जो है कि मीटर लगा हुआ है बिजली इसका रीडिंग वाला? बहुत सारे लोगों के पास है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके पास लगा है जो कि रिचार्जेबल हो? बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोगों के पास है। उसमें से किसी को सर्टिफिकेट मिला है मीटर रीडिंग करने का? तो जो है कि हर एक बिजली मीटर के जो मिलता है उसको जो है कि मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जो रिचार्जेबल मीटर है। उससे क्या होगा कि उससे अगर आप जांच करेंगे तो आपका जो एक्चुअल मीटर रीडिंग करेगा वही अमाउंट बताएगा, और वैसे तो अपने यहाँ होता नहीं है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य बिजली पे ही है, या तो मीटर रीडिंग वाले को है या सरकार को है, दोनों मिल के काम कर रही है, तभी तो हमारे टैक्स से वो लोग अपना काम चला रहे हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस मीटर? हम लोग ये चाह रहे हैं कि और राज्यों की तरह हमारे राज्य में भी मीटर को बिजली का जो हो बिल हो वो कम किया जाए। अच्छा, आप लोग के विरोध करने के बाद भी अगर सरकार आप लोग की बातों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय श्री चिराग पासवान जी, उनके आदेश अनुसार वो जैसे आदेश करेंगे उस तरह से हम लोग करेंगे। वो अगर आंदोलन के लिए तैयार होते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है हमारी इस राय को तो आंदोलन हम लोग करेंगे। तो आप लोग लगातार विरोध तो कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस सरकार की तरफ से जो है नहीं है, सरकार की तरफ से जो है इतने विरोध होने के बाद से अब जो है कि सरकार बता रही है कि इसकी जाँच की जाए, बिजली की जाँच की जाए कि क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा, मीटर रीडर का जो सर्टिफिकेट की बात है, इस बात को लेकर सरकार को आप प्रेस विज्ञप्ति भेजे आप लोग? सरकार को सारा चीज़ भेजा गया है, लेकिन देखिए आप डेली के न्यूज में आ रहे हैं कि हमारे बिहार में बिजली कहाँ तक आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इसके लिए। आपके यहाँ से अभी हाई कोर्ट में जाएगा, अगर नहीं मानती है सरकार हम लोगों की राय को तो हाई कोर्ट में केस किया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। इस मामले को लेकर आपके नेता का अभी तक कोई संदेश आया है? बिल्कुल, ये हमारे नेता का ही संदेश है जो अभी हमने आपको दिखाया। बिहार सरकार के एक मंत्री रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया है, पूरे बिहार में इस पर काफ़ी हंगामा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए अपोजिशन वाले जो भी कहेंगे सब कहेंगे, अब उनकी सरकार है वो अभी क्या कर रहे हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। 2025 में जब हम लोगों की सरकार आएगी, हमारे नेताजी चिराग पासवान जब CM बनेंगे, उस समय सारे प्रतिक्रिया का उन लोगों को जवाब दिया जाएगा कि कहाँ पे वो लोग गलत कर रहे थे और कहाँ पे हम लोग सुधार किए हैं।
आपको ऐसा कैसे लग रहा कि एक तरफ जहां एनडीए है दूसरी तरफ महागठबंधन, हम लोग लगातार जनाधार कर रहे हैं, जनाधार बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ एनडीए है दूसरी तरफ महागठबंधन है, तीसरी तरफ एक तीसरा मोर्चा चिराग पासवान का, ये सरकार वो आपको जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही सारी चीज साफ साफ दिखाई देगी। अभी तक कोई सांसद केन्या में गए हुए हैं? अपने भारत देश का संबंध अच्छा बनाने के लिए कोई भी सांसद को विदेश में भेजा नहीं गया है आज तक, लेकिन चिराग पासवान जी गए हुए हैं, तो इससे आप लोग भी समझ सकते हैं। इसका संकेत है बिहार के लोगों को कि 25 में सीएम के तौर पे चिराग पासवान दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। चुनाव में ही आपने देखा होगा कि जहाँ पे जेडीयू की और आरजेडी की मतलब विधायक थे वहाँ पे चिराग पासवान अपना जो है जोड़ दिए, वहाँ पे जो है कि हम सीट जो है एनडीए निकाली है, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। चिराग पासवान तो मोकामा में भी गए थे। देखिए मोकामा जो है कि मोकामा अलग क्षेत्र हो गया ना, मोकामा बिहार में ही है लेकिन वो अलग है। अगर हम लोग 3 सीट पे चुनाव लड़ते हैं एक ही सीट ना हारे हैं, नेक्स्ट बार उसको भी ले लेंगे। मोकामा के चुनाव में रिजल्ट में हमारे नेता ने स्पष्ट से कहा कि वो व्यक्तिगत जीत है, वो किसी पार्टी का नीतीश कुमार जी का जीत नहीं है, आरजेडी का जीत नहीं है, और अनंत सिंह का व्यक्तिगत जीत है। मुख्यमंत्री जी का वोट उसमें कहाँ जुड़ा? अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम जनाधार वाले नेता हैं, तो उनका उनका वोट परसेंट उसमें जुटा कहाँ? नहीं, अगर जहाँ जीत हो गई तो वहाँ सरे चिराग पासवान को मिलेगा, जहाँ हार हो गई तो वहाँ व्यक्तिगत कैसे? देखिए जरूरी नहीं है, चिराग पासवान 3 जगह गए हुए थे ना जी, जी 3 जगह में से 2 सीट जीते कि नहीं? कम्मा चुनाव में जो जीत हुई है वो वहाँ से छोटे सरकार के नाम से जाना जाते हैं अनंत सिंह, और छोटे सरकार को इससे पहले 70,000 वोट से जीत हुई थी और इस बार मात्र 10,000 वोटों से जीत हुई है, तो उनका अंतर जो कम हुआ है वो चिराग फैक्टर की वजह से ही कम हुआ है। और आपने एक बात पूछा था जो यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे, तो उनको खुद जानकारी नहीं, वो सही से रामायण पढ़े नहीं है और रामायण देखे नहीं है। रामायण में कहीं पर भी न लिखा गया जातिवाद के बारे में और नहीं कहीं दिखाया गया है। उनको एक बार जरूर देखना चाहिए रामायण को या रामचरितमानस को ठीक से पढ़ना चाहिए। अगर उनमें हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द बोलकर दिखा दे, उनकी औकात पता चल जाएगी और पार्टी में क्या हैसियत रहेगी ये भी पता चल जाएगा।